कान का ऑपरेशन, पर्दे का ऑपरेशन कैसे होता है, नो अबाउट ईयर डर्म सर्जरी। यस दोस्तों, बात करते हैं आज इस वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने वाले अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलता रहे। हाउ यू डू द ईयर डर्म सर्जरी। जब दोस्तों हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आता है बेसिकली, तो उसके बहुत सारे सवालात होते हैं। सर ये जो कान का पर्दा है वो आप क्या जापान से मंगाओगे, या इसका ऑपरेशन कैसे होगा, या मेरे को अच्छे वाला पर्दा लगा दीजिए जिससे मेरे को आगे दिक्कत नहीं हो। या कुछ पेशेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि दोस्तों अभी तो ये बच्चा है, जब ये बड़ा होगा तो ये पर्दा छोटा पड़ जाएगा। सो दोस्तों बात करते हैं, हम जानते हैं कि सबसे पहले तो कान के जो पर्दे का ऑपरेशन होता है उसकी कब हमें जरूरत होती है। दोस्तों जो हमारा ईयर ड्रम है, यानी जो हमारा गोड ने जो हमारा ईयर बनाया है, वो हमारा पीछे इस टेम्पोरल बोन में सारा होता है। एंड जो बाहर का वातावरण जिससे हमारा कान एक्सटर्नल जो ऑडिटरी कैनाल है उसमें और उसके बीच में एक पतली लेयर होती है जिसको हम ईयर ड्रम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कान का पर्दा बोलते हैं, कान की ताली बोलते हैं। तो ये जो पर्दा है ये हमारे जो हमारा बाह्य वातावरण है उससे अंदर वाले कान को क्या है, सुरक्षित रखता है, नंबर वन, समझ गए। दूसरा, जब हम बोलते हैं तो ये सारी आवाज उस कान के पर्दे से टकराती है, उसमें कंपन क्रिएट होते हैं, वो कंपन जो है 3 हड्डी और 1 नस के थ्रू दिमाग को जाता है, दिमाग समझता है अपन बात का जवाब देते हैं। तो ये हमारा प्रोटेक्शन करना और हमारा जो सुनाई के अंदर हेल्प करना हमारा पर्दे का काम है। तीसरा काम, मान लो आपके कान में पानी चला गया, मान लो आपका जो है वो पॉल्यूशन है या गंदगी है, तो वो जो हमारा कान का पर्दा है उस चीज को अंदर नहीं जाने देता है, तो हमारा प्रोटेक्शन हो गया। तो ये 3 जो है इंपॉर्टेंट काम है जो कान के पर्दे के हैं। अब किसी कारण से कान का जो हमारा ईयर ड्रम है, पर्दा है, उसमें होल हो गया, तो अब आप सोच लीजिए क्या क्या हो सकता है। जो बैरियर था, जो हमारा इन्फेक्शन रोक रखा था, जो हमारा बॉर्डर पे जो छेद हो गया, तो वो सारा इन्फेक्शन अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन क्रिएट होगा, इन्फेक्शन क्रिएट हो गया तो पानी आएगा, पानी आएगा अंदर से तो उसमें क्या फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस लग जाता है जिसको हम ऑटोमाइकोसिस बोलते हैं, एंड पस फॉर्मेशन हो जाता है। तो कान के अंदर लगातार पानी बहता रहता है, देख लिया। उसके बाद जो वाइब्रेशन हमारा हो रहा था वो भी नहीं हो रहा, देन वी हैव ए डिक्रीज हियरिंग, सुनाई कम देगा। बट दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम क्या है, हमें दिखती नहीं है इसलिए हम उसका इलाज नहीं करा पाते। अब अगर डॉक्टर ने बताया है कि इसके कान के पर्दे में छेद है, तो जो उसका इलाज है उसका पर्दा कैसे लगता है, ये भी दिमाग में बड़ा सवाल आता है। सो दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा कान का जो हमारा ये पर्दा है, इसमें ये जो अंदर ये छोटा सा जो होल होता है, इस होल को पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, इसके चारों तरफ जो मार्जिन होता है उसको एक छोटी सी स्ट्रिप रिमूव कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि जो अंदर एक चमड़ी जो पर्दे को जो बढ़ने नहीं देती वो हट जाती है। उसके बाद में एक बड़ी एडवांस टेक्निक होती है दोस्तों, जिसको हम इंटरले टेक्निक बोलते हैं। पहले अमूमन ये टेक्निक नहीं थी। इंटरले टेक्निक में क्या करते हैं, जैसे आपने सैंडविच देखा है दोस्तों, उस सैंडविच में 2 ब्रेड को हटा के और उसके बीच में एक चीज डाल दी जाती है, ऐसे इस इंटरले टेक्निक के अंदर एक यहां पे जो हमारा एक मसल होती है टेम्पोरल मसल, तो उस टेम्पोरल पे एक पन्नी नुमा उसकी जो कवरिंग होती है, उस कवरिंग का जितना अमाउंट हमें पर्दा चाहिए, जितना अमाउंट हमें टिश्यू चाहिए वो लेके, एंड जैसे हमने सैंडविच की जैसे उस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की लेयर को सेपरेट करके उसके बीच में वो लगा दी जाती है, तो उससे क्या हुआ कि वो जो होल था वो होल क्या है बीच में लगाने से बंद हो गया, एंड वापस जो है वातावरण से जो बैरियर जो पहले था वो मेंटेन वापस हो गया, जो हमारा वाइब्रेशंस जो हमारा नहीं हो रहा था वो हमारा वाइब्रेशंस भी होने लग गए, एंड देन फिर उसको वापस वहां पे जेल फॉर्म लगा के एंड उसको वापस बंद कर दिया जाता है। तो कुछ समय के बाद वो वहां से उसका ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है एंड वो जो है वो ठीक हो जाता है, एंड जैसा हमारा कान का पहले पर्दा था वैसे वो वापस स्ट्रक्चर बन जाती है, बैरियर बन जाता है, सुनाई में हमारे को फायदा होता है, बार बार हमारे को जो है वो इन्फेक्शन नहीं होता एंड आगे हमारे को प्रॉब्लम नहीं होती।
सुरेखा आपने दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि कान का पर्दा जो है कोई जापान से या विदेश से मंगाया जाता है, वो हमारे शरीर का ही एक टेम्पोरल मसल्स का एक पार्ट होता है जो हमारे को हार्वेस्ट करके उसको बंद करके लगाया जाता है। सो इसलिए कभी भी जो है वो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एंड आजकल जो है बड़ी एडवांस टेक्निक है, दूरबीन से उस पर्दे को लगाया जा सकता है, तो उसमें क्या है पीछे से कान के चीरा नहीं लगता, जिसको एंडोस्कोपिक और एंडोरल सर्जरी भी बोला जाता है। तो आपको जो है वो जो आपको चीरे और स्कार का जो डर है वो भी नहीं होता। So दोस्तों really this information is very useful for you. You can share this information to your any patient that has a ear problem. जिससे अगर उनको पर्दा लगाने में जो भी कोई दिमाग में मिथ है, क्वेरी है, वो उनकी दूर हो सके। एंड आपका कोई सवाल है definitely you can put my comment box so we can discuss later and I'll reply that query. Thank you.